आज हम लोग हैं लक्ष्मी नगर के अंदर और हमारे साथ है सलीम अहमद साहब जो बहुजन समाज पार्टी से हैं। सलीम जी, पहले तो मैं पूछूंगा कि आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर किस कैडर पे हैं और यहाँ पे क्या देखते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी में जिला लक्ष्मी नगर में जोन इंचार्ज हूँ बहुजन समाज पार्टी का। जी, पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है। जी जी सलीम साहब, एक बात रही, आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली की राजनीति को 2019 के इलेक्शन की नजदीक है तो कहाँ देखते हैं कितनी सीटों पर विजयी हो सकती है बहुजन समाज पार्टी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बहुजन समाज पार्टी में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, अभी उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में सपा और हमारी पार्टी बसपा का जो गठबंधन हुआ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने करा है, वो बहुत ही बड़ा अच्छी बात है और लोगों में एक जागरूकता आई है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। दिल्ली में हमारी लोकसभा की 7 सीटें हैं, 7 की 7 हम जिताने का काम करेंगे और मेहनत करेंगे और लोगों में बहुत ही उत्साह पैदा हो गया। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो ये फैसला लिया है उससे हम खुश हैं और हमारा मुस्लिम समाज भी बे इंतहा खुश है और हम बहन जी का स्वागत करते हैं इस बारे में। बहुत अच्छा फैसला लिया माननीय बहन कुमारी मायावती ने। जी, देखा जा रहा है कि जो पहले ये जो मुस्लिम समाज है वो बसपा से अच्छे से नहीं जुड़ रहा था, लेकिन इस वक्त बताते हैं कि बहुत अच्छे से बसपा के साथ जुड़ रहा है, तो उसका क्या कारण है कि इस वक्त बसपा से ज़्यादातर मुस्लिम भी बहुत अच्छे से जुड़ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब के माननीय बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 4-4 बार हुकूमत रही है, गवर्नमेंट रही है। माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, सर समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर मान सम्मान दिया है। इस देश में अगर मुस्लिम की कोई देसी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है और मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बार बार सलाम करता हूँ कि हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है, क्योंकि जो काम किया है उन्हें हम पढ़ते हैं, लोगों में पहुंचाते हैं, जिन लोगों के बीच में हम जाते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती की प्रशंसा करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो हम जानते हैं कि हम दिल से अपनी नेता की कदर करते हैं और मुस्लिम समाज के लोग पहले कुछ कम थे लेकिन अब बड़ी तादाद में माननीय बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सलीम साहब, एक बात बताइए कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार आ जाती है तो ऐसे कौन से काम होंगे जो आज तक नहीं हुए हैं बीजेपी कांग्रेस के राज में, वो बताएं। वो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि माननीय बहन कुमारी मायावती अगर देश की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो सर समाज के लोगों के, पिछड़े गरीबों मजलूमों के लोगों के वो काम होंगे जो 70 साल में नहीं हुए, वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी बैठते के साथ ही 1 मिनट में करने का काम करेंगे, क्योंकि हमें गर्व है और फख्र है माननीय बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन चलाया है, इस पूरे भारत के अंदर किसी ने नहीं इस तरीके का शासन चलाया जिस तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में शासन चलाया और विकास करती हैं माननीय बहन कुमारी मायावती। तो ऐसा चाहिए एक मैं ही नहीं, मुस्लिम समाज, सर समाज के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती को आज देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और मेरी दुआ है और मैं माननीय बहन कुमारी मायावती को ये दिल से दुआ देता हूँ कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री बनेंगी, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है मैं कहना। आप थे सलीम अहमद लक्ष्मी नगर से, जिन्होंने बताया है कि बहन कुमारी मायावती की 4 बार की सरकार रह चुके हैं जिनके कार्य को देखने को और बताने की जरूरत नहीं है, और अगर 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जो और सरकारों ने छोड़ देते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस लायक समझा, मैंने बताया और मैंने जो भी बातें बताई वो सही है, हकीकत है। 4-4 बार उत्तर प्रदेश में हुकूमत रही माननीय बहन कुमारी मायावती की, माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज को इतने बड़े पैमाने पर मान सम्मान दिया आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं कहता हूँ कि माननीय बहन कुमारी मायावती हमारे देश की प्रधानमंत्री बने, सर समाज के लोगों का विकास होगा, मुस्लिम समाज के लोगों का बहुत विकास होगा, हम खुश हैं, मुस्लिम समाज खुश है और मुस्लिम समाज में एक किस्म की लहर है माननीय बहन कुमारी मायावती के लिए, क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती को मुस्लिम समाज अपना नेता मानता है और मानता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो जिस तरीके से कह देते हैं कि अजगैबी मदद, ये मुस्लिमों के लिए माननीय बहन कुमारी मायावती की अजगैबी मदद है हमारे लिए, मुस्लिम समाज के लिए हमें फख्र है।